हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के सेशन में 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मुझसे जितना भी समय मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसा कि आपका BPSC TI 3 का जो एग्ज़ाम है, अब जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, नहीं तो जुलाई तक में हो ही जाएगा। अगस्त में TI 4 का भी होने का ऐलान किया जा रहा है, देखिए कहाँ तक हो पाता है, बट होगा ज़रूर। एंड अब यूपी में भी वैकेंसीज, UP TGT का भी होगा एंड MP का तो होगा ही। तो दोस्तों, आप डेली बेसिस पे तैयारी करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। और फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन, MCQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक सबसे अधिक लोकप्रिय थी, कहाँ थी? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह कहा जाते हैं क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्समर्स को जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है जर्मनी में। नेक्स्ट है, प्लेटो को जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, प्लेटो को आइडियोलिज्म यानी कि आदर्शवाद का जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के जनक हैं रूसो, और वास्तविकतावाद यानी प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद के जनक हैं जार्डीवी, एंड व्यक्तिवाद यथार्थवाद यानी रियलिज्म के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है, मानव की सर्वाधिक सामाजिकता प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मानव की सर्वाधिक सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक समझ यानी कि सोशल अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, ठीक है, सोशल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आपका ग राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के प्रबल प्रमुख घटक कौन है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धि और विकास की सबसे प्रमुख घटक होती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी अनुवांशिकी और पर्यावरण। जब इसमें दोनों अलग अलग दिया रहेगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रबल घटक हो जाता है आपका अनुवांशिकी घटक यानी जेनेटिक फैक्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक आदर्श वाक्य सिटियस अल्टियस फोर्टियस के शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं? तो दोस्तों, आप सबको पता है ये फादर हेनरी डिरान के द्वारा दिया गया है सीरियस अल्टियस फोर्टियस आदर्श वाक्य। अब इसको एक और शब्द जो दिया गया है कम्युनिटर, यानी कि अब पढ़ा जाता है सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, यानी कि इसके अर्थ होगा फास्टर हायर स्ट्रांगर टूगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। नेक्स्ट दोस्तों, आपको एक मिलान करना है एक सूची से दूसरे सूची में। यहाँ पे आपको देखना है सर्व शिक्षा के इतिहास से क्वेश्चंस है, जैसे कि पहला है, स्पॉटर शिक्षा की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मैंने आपको सर्व शिक्षा के इतिहास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि स्पॉटर कॉल में सर्व शिक्षा के पद्धति को क्या कहा जाता था। तो सर्व शिक्षा की प्रणाली को स्पॉटर कॉल में कहा जाता था एगॉग, यानी कि वन का आपका हो जाएगा टू, ठीक है, वन का क्या हो जाएगा टू, ठीक। एंड दूसरा है, उच्च शिक्षा की संस्था। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा की, जैसे कि पूर्वाद रोम काल में जो है यूनान की शिक्षा पद्धति को अपनाया गया और एक लेडर नामक पद्धति को अपनाया गया था, जिसमें से प्राइमरी स्तर पर स्कूल ऑफ लिटरेचर, सेकेंडरी स्तर पर स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स और हायर लेवल पर स्कूल ऑफ रेटर शामिल किया गया। लेकिन यहाँ पे उच्च स्तर संस्थान स्कूल ऑफ रेटर होगा, बट यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे आप स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स। एंड इस प्रकार दूसरा का हो गया चौथा। एंड तीसरा है, खेल एवं स्वास्थ्य क्लबों सहित लोक स्नानागार। तो दोस्तों, दो स्नानागार की जिक्र होता है वहाँ पे, जैसे कि एक होता है कीचड़ स्नान यानी मठ बाथ, जो आपका पूर्वाध एथेंस काल में है, और एक होता है थर्म फार बाथ जो कोलेजियम स्नानागृह होता है
उत्तरार्ध रोम काल में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक थर्म फॉर बाथ है, थर्म में आपका राइट हो जाएगा 3 का 3। एंड चौथा है एथीरियन कुश्ती स्कूल। तो कुश्ती स्कूल को एथेंस काल में पेलेस्ट्रा कहा जाता था, ठीक है। पेलेस्ट्रा एक व्यायामशाला होता था जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी या जिम्नास्टिक सिखाई जाती थी। इस प्रकार से चौथा का हो जाएगा पहला, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से रेस्पिरेटरी मसल्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको तो पता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स किसे कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स को कहा जाता है रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो है आंखों में होती हैं, कॉफ मसल्स हमारे गैस्ट्रोनोमियस मसल्स को कहते हैं, लैक्रिमल मसल्स आंखों में होती है। नेक्स्ट है मांसपेशी क्रिया पूर्तियां निर्भर करती है। तो दोस्तों मांसपेशी क्रिया जो है किस पर निर्भर करती है, पूर्तियां। तो आप जानते हैं कि वहाँ से तंत्रिकाओं से जो हमारे मस्तिष्क से एक्शन पोटेंशियल आता है, जैसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे मैं आपको डिटेल में बताई हूँ कि जब न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आता है तो मसल्स में जाता है, जहाँ पे आपका एक्टिन मायोसिन दोनों एक्टिव हो जाता है, जिसे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और रक्त संचरण यानी ब्लड सप्लाई पर, जितना अच्छा आप एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी करेंगे तो ब्लड सप्लाई जो है डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स की ओर होता है। तो इस प्रकार आपका जो मसल्स क्रिया है, मांसपेशी क्रिया है, किस पे निर्भर करती है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मांस तंत्रिका एवं रक्त संचरण पर, यानी नर्व एंड ब्लड सप्लाई पर। नेक्स्ट है शक्ति स्पर्धा में धावक मूत्रवर्धक यानी ड्यूरेटिक्स मात्रकों का सेवन करता है। तो आप सबको पता है ड्यूरेटिक्स क्या करता है, भार को कम करता है, यानी वजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों ड्यूरेटिक्स को हम वेट रिड्यूसिंग ड्रग कहते हैं, ये भार को कम करता है और इससे सेवन से ज़्यादा पेशाब बनता है और पानी मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है और 24 से 48 घंटे में लगभग 35% भार कम कर देता है। इसके प्रयोग जो है भार से जुड़े खिलाड़ी जैसे कि वेट लिफ्टिंग एंड बॉक्सिंग, कबड्डी आदि वाले, जूडो आदि वाले खिलाड़ी करते हैं। और दोस्तों इसका 3 एनाबोलिक स्टेरॉइड के साथ या उसके बाद भी प्रयोग होता है, जिससे जो है हमारे पेशियों में कट्स दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों ड्यूरेटिक्स का प्रयोग 3 चीज़ों के लिए किया जाता है, एक तो भार कम करने के लिए और दूसरा तो डोपिंग को छुपाने के लिए, यानी क्योंकि इसके सेवन से यह नहीं पता चल पाता है कि खिलाड़ी ने कौन सा रसायन लिया है, और तीसरा महिलाओं के मासिक धर्म के समय को परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की समयावधि की आवश्यकता घंटों में होती है। तो प्रतिस्पर्धा के पूर्व कितने समय पहले आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सेवन कर लेंगे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 घंटे पहले, मिनिमम 3 घंटे पहले आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 से 6 घंटे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन ए है कि क्रेव के चक्र में एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के दौरान निर्मित पाइरुविक एसिड माइटोकांड्रिया में पहुंच जाता है, इसके आगे ऑक्सीकरण होता है। राइट आंसर है जब जो हीमोग्लोबिन जो है, जो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं में जाती है, तो सबसे पहले वो जाती है कोशिका द्रव्य में, जहाँ पर अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बनता है, जिसमें 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, जहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और +2 पाइरुविक अम्ल का, और जो 2 पाइरुविक अम्ल होता है वो जाता है माइटोकांड्रिया में, जहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है, जहाँ पे जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके
एटीपी का निर्माण होता है। ये आपका अभिकथन ए राइट है। और तर्क आर कहता है कि क्रेव के चक्र में पाइरूविक एसिड के ऑक्सीकरण से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता है। लैक्टिक एसिड हमेशा अनएरोबिक डिस्टिलेशन यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ही लैक्टिक एसिड होगा, इसलिए आर आपका गलत है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक यानी सेकेंड क्लास लीवर में अवरोध यानी कि जो रेसिस्टेंस यानी भार है किनके बीच में होता है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी बना के दे दिया है, तो वो जाहिर सी बात है लीवर में उत्तोलक में तीन चीज़ें होती हैं, एक्सिस, फोर्स एंड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस या अवरोध किनके बीच में रहेगा, दो ही बचा, फलक्रम एंड फोर्स यानी कि एक्सिस और फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही है, एफ ए आर 312 यानी ए के नीचे एक है यानी कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में होता है, टू के नीचे ऊपर आर है यानी कि सेकेंड प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस बीच में होता है, एंड थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स बीच में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तेजक पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। दोस्तों एक तो शराब है और एक कैफीन है, तो यहाँ पे कैफीन जो है आपका प्रतिबंधित नहीं है। कैफीन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और शराब भी नहीं है। कैफीन जो है हालांकि एक उत्तेजक है दोस्तों, 2004 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारक क्या है। तो दोस्तों जो हमारे मांसपेशी फाइबर के जो प्रकार हैं वही मुख्य कारक होता है, जैसे कि हमारे मांसपेशी फाइबर के प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर में मांसपेशी फाइबर दो प्रकार के होते हैं, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर जो होता है फास्ट ट्विच फाइबर होता है, जल्दी जल्दी संकुचित होता है, वो अनएरोबिक क्रियाओं यानी कि स्प्रिंट दौड़ों, कम समय की जिसमें तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है उसमें काम आती है, जैसे 100 मीटर दौड़ आदि। एंड दूसरा होता है रेड मसल फाइबर जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है, धीरे धीरे संकुचित होती है, एरोबिक क्रियाओं में, सहनशीलता वाले खेलों में और क्रियाओं में ज़्यादा एक्टिव रहती है। नेक्स्ट है, एक प्रक्षेपण यानी पैराबोलिक की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर करती है। तो ऊंचाई और समय पर, तो उसके धकेलने की शक्ति पर निर्भर करती है। जैसा कि पैराबोलिक क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आप फेंक रहे हैं, यहाँ से हम आप इसको फेंकें, कोई चीज़ यहाँ फेंके तो ऐसे वृत्ताकार पथ में जाएगी और यहाँ पे गिरेगी 45 डिग्री पर फेंकने पर, इस प्रकार का सीक्वेंस बनता है। तो पैराबोलिक होता क्या है, जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल प्रक्षेपण, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि किसी वस्तु को यदि 45 कोण पर फेंका जाए, अंश के कोण पर, तो वह अधिकतम दूरी तय करती है, अगर 90 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो कोई भी दूरी तय नहीं करती है। यानी कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेपण यानी जेवलिन, शॉर्ट कोण, डिस्कस आदि को किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे, इसका ज्ञान हमें प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपण के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव हाइपर एक्सटेंशन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों जब हम 180 डिग्री के लगभग कोण होता है तो वहां पे हाइपर एक्सटेंशन होता है, जैसे कि आप हाथ को एकदम ऊपर उठा रहे हैं, वो 180 डिग्री हो गया तो वहां पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर बराबर कंधे के बराबर बगल में उठा रहे हैं तो वो एब्डक्शन होगा, शरीर से दूर, और शरीर के पास ला रहे हैं तो एडक्शन होगा, और शरीर के कंधे के बराबर से और ऊपर उठा रहे हैं सीधे तो 180 डिग्री हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। यहाँ पे आपको देखना है, मिलान करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे है, पहला कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट क्या होता है। एक तल में गति होती है, यूनिएक्सियल ज्वाइंट है, और जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, जैसे मैंने बताया है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये सभी क्या है, हिंज ज्वाइंट होता है। तो एक का एक ही हो जाएगा, ठीक है, एक का एक ही हो जाएगा। एंड सैडल ज्वाइंट क्या होता है,
परस्पर आदान प्रदान करने वाली गति होता है, जैसे अंगूठा सभी उंगलियों के पास चल जाता है, तो यहाँ पे 2 का 2 ही होगा। तीसरा है एम्फियाथ्रोसिस ज्वाइंट अल्पचल संधि, यानी बहुत कम चलने वाली संधि, ये भी 3 का 3 होगा। 4 है बहुचल संधि, यानी कि चल संधि की बात कर रहा है, डायथ्रोसिस ज्वाइंट कहा जाता है इसको, तो ये स्वतंत्र गति की संधि होती है। तो यहाँ पे सबका सामने सामने ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर को आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले उस चीज का मिलान कीजिए जो आपको आता है। जैसे आपको देख सकते हैं वातावरण क्या होता है, पोषक होता है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रकृति और पोषण, हेरिटी एंड एनवायरमेंट, तो पोषण कौन होता है, वातावरण होता है। तो यहाँ पे 4 का 1 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड जिज्ञासा क्या है, आश्चर्य, जिज्ञासा में क्या है, आश्चर्य, 3 का 4 हो जाएगा। एंड भूख क्या है, एक प्रकार का सामाजिक चालक है जो आपको चलाता है, एनर्जी देता है, आप खाते हैं तो आपका 1 का 3 हो जाएगा। एंड सुसामाजिकता क्या है, एक प्रकार का अनसीखे व्यवहार है, 2 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला है आपका क है काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कि जो थोरेसिक वाला रीजन होता है, वच वाला भाग होता है, पीछे की तरफ निकल जाता है। तो जब भी आपको आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन बोले तो काइफोसिस होगा, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन बोले तो लर्डोसिस होगा। तो काइफोसिस में वच वाला भाग पीछे की तरफ निकल जाता है, इसलिए आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन बोला जाता है। और जो लर्डोसिस होता है, कमर वाला भाग में गड्ढा हो जाता है, करो बन जाता है, इसलिए इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन बोला जाता है। यहाँ पे काइफोसिस, कॉनवेक्सिटी ऑफ थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइन, यहाँ पे काइफोसिस राइट है। काइफोसिस को घुमावदार पीठ, कुबड़ा, राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। ख है लार्डोसिस, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, भी जस्ट बताई हूँ। लार्डोसिस में कमर वाला भाग में गड्ढा बन जाता है, और लार्डोसिस को हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट, सडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पे आपका स्कोलियोसिस, ग है स्कोलियोसिस, एग्जेजरेशन ऑन नॉर्मल कॉनकेविटी ऑफ लंबर रीजन, यहाँ पे लंबर रीजन नहीं होना चाहिए था, स्पाइन होना चाहिए था, क्योंकि जो स्कोलियोसिस होता है, मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता होती है, लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन होती है, यानी कि मेरुदंड यानी स्पाइन का एक ओर झुक जाना, जिससे शोल्डर एक तरफ एंड हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। और इसमें जो है स्कोलियोसिस 2 प्रकार का हो जाता है, एक सी सिंगल स्कोलियोसिस, जो दूसरा होता है एस डबल स्कोलियोसिस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये ग वाला आंसर गलत लग रहा है, और ग है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में होता क्या है दोस्तों, फ्लैट मतलब समतल, ठीक है। फ्लैट फुट में चपटा पाँव जिसे कहते हैं, खड़े होने पर पंजे के नीचे कोई वक्र नहीं बनता, यानी चलने पर पंजे बाहर की तरफ और आते हैं, फिर पंजे घूमकर अंदर की तरफ आ जाते हैं, कोई वक्र नहीं बनता। तो कोई वक्र नहीं बनता तो फ्लैट फुट को हम पेस प्लैनर्स भी बोलते हैं। और फ्लैट फुट में 2 प्रकार के आर्च बनते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल होता है एड़ी से पैर के अंगूठे तक बनता है, और दूसरा ट्रांसवर्स जो होता है पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक, यानी कि पैर में उचित चाप बन जाता है, ठीक है, पैर में उचित चाप बन जाता है। यहाँ पे ए राइट होगा। एक होता है दोस्तों पंजा पाव, फ्लैट फुट के जस्ट विपरीत होता है। तो पंजा पाव जो है पैर के फ्लैट फुट के जस्ट विपरीत होता है, तो पंजा पाव को क्ले फुट, पेस कैवस, हालो फुट, क्ले टॉज आदि नामों से जाना जाता है। और यह फ्लैट फुट के विपरीत होता है, पंजे पशुओं की खुर की भांति मुड़ जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वक्र गड्ढा हो जाता है। इस प्रकार इसमें सुमेलित कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास और त्रुटि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को अधिगम को यह भी कहते हैं। इस थ्योरी को दिया था थॉर्नडाइक ने और इसको मूल प्रवृत्ति अधिगम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये बिल्ली पर प्रयोग किया, इन्होंने ट्रायल एंड एरर यानी कि गलती करो और सीखो, यानी ये किसी भी चीज की व्यक्ति की या जीव की मूल प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, जब कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है तो वह है दोस्तों, जब कोई पहले से सीखा हुआ कार्य का प्रयोग दूसरे कार्य नए कार्य सीखने में हम करते हैं तो उसको प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण, यानी कि जब कोई पहले का सीखा गया कार्य नए कार्य सीखने में सहायता करता है तो उसको सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, और जब कोई पहले का सीखा हुआ कार्य नए कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, और जब कोई पहले का सीखा हुआ कार्य या गुण नए कार्य सीखने में न बाधा उत्पन्न करता है न सहायता करता है उसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पे आप जब टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है यानी कि उसमें सहायता कर रहा है तो उसमें सकारात्मक स्थानांतरण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीम के खिलाड़ियों में अंतर व्यक्तिक झगड़ों का प्रायः कारण होता है। तो दोस्तों, सद्भावना की कमी, कौशल स्तर एंड प्रयास, ये सभी कारण होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अभिकथन से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन ये है कि व्यावसायिक खेलों का प्रबंधन फुटबॉल, बास्केटबॉल अथवा बेसबॉल सलीखे खेलों के खिलाड़ियों को बहुत उच्च वेतन देकर भर्ती करते हैं। तो ये बात सही है और इसके तर्क में आर है कि उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खिलाड़ी केवल धन के लिए खेलते हैं। नो दोस्तों, ये आपका निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि खिलाड़ी केवल धन के लिए खेलते हैं। तो यहाँ पे तो आर तर्क जो है वो गलत लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इंडोर बहुउद्देशीय हॉल यानी कि मल्टीपर्पज हॉल सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सभी कुछ उसमें हो सके। नेक्स्ट है, अंतर सदनीय प्रतियोगिता यानी इंट्राम्यूरल कंपटीशन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इंट्राम्यूरल होता क्या है, यानी कि अपने चार दीवारी अपने ही विद्यालय या संस्था के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं, और एक्स्ट्रा मुरल किसे कहते हैं, एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होता है, उसको एक्स्ट्रा मुरल कहते हैं। तो यह जो इंट्रा मुरल कंपटीशन है किसके लिए महत्वपूर्ण है, विद्यालय स्तर के लिए भी है, महाविद्यालय स्तर के लिए भी है और विश्वविद्यालय स्तर के लिए, यानी सभी के लिए है। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन 25 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय।